अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड बेक विद हर चीज़ टीवी। आज की हमारी रेसिपी है न्यूटेला कुकीज़। बहुत आसान रेसिपी है जो कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ आप घर में एक मज़ेदार किस्म के बिस्किट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है मैदा 1 कप, न्यूटेला मैंने ली है तकरीबन 1/4 कप और एक मीडियम साइज़ का एग लिया है। अगर आपके पास न्यूटेला नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग को हम बीट कर लेंगे और उसके अंदर हम न्यूटेला मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। चॉकलेट स्प्रेड या न्यूटेला के अंदर आप अच्छी तरह से एग को मिक्स कर लें और उसके बाद अब हम इसके अंदर 1 कप मैदा डाल के इसको मिक्स करके इसकी डो बना लेंगे। इसी न्यूटेला और एग के साथ ही इसकी डो बन जाएगी। एक सॉफ्ट सी डो आपके पास बनेगी। अगर आपको लगता है कि डो आपकी ज़्यादा थिन हो गई या पतली है, स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डाल लें। इस तरह से आपकी डो बन जाएगी जो आपके हाथों में स्टिक नहीं होगी बिल्कुल भी। अब हम इसके कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ बनाने के लिए हम इसको एक छोटी सी इसकी एक बॉल बना लेंगे और अपनी बेकिंग ट्रे पर पार्चिंग पेपर लगाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ओवन ऑन कर दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि इसका प्रोसीजर ज़्यादा लंबा नहीं है तो 10 मिनट्स के अंदर ही ये सारा मिक्सर रेडी हो जाएगा। अब सारे डो की छोटी छोटी बॉल्स बना के हम थोड़े से डिस्टेंस पे इसको रख देंगे, बिल्कुल साथ साथ नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्प्रेड होगा। इस तरह से सारे डो की आप बना लें बॉल्स और इसको आप ओवन में रख दें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स के अंदर आपके कुकीज़ रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है ये इजी से कुकीज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।